गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. टुडे वी विल कंटिन्यू योर इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट एंड चैप्टर टू एंड चैप्टर टू एंड टॉपिक इज सेंटेंस इट्स काइंड्स. इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पेज एंड दिस पेज. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू एफ फ्रॉम एफ. ओके, क्या बोला है, कन्वर्ट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया है. एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स, आपको अभी पहले वीडियो में बताया था, एफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस जिसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है. आई एम ए बॉय, ही इज राइटिंग ए लेटर. तो ये नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसी को सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. अभी उसी सेंटेंस को नेगेटिव में आना है. नेगेटिव मतलब नॉट लगाना है, कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ नॉट लगाओगे. देखो, सी इज सैड, ये है नॉर्मल सेंटेंस बस सिंपल सेंटेंस. तो इसको नेगेटिव में, सी इज नॉट सैड, तो नॉट लगा के इस सेंटेंस को मैंने नेगेटिव सेंटेंस में डाल दिया. टुमारो इज संडे, तो इसमें नॉट लगाओ. टुमारो इज नॉट संडे, तो नॉट लगाने से ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है. ही हैज़ गन टू स्कूल, तो ये क्या लिखोगे, ही हैज़ नॉट गन टू स्कूल. ओके, दे विल इन्वाइट यू, दे विल नॉट इन्वाइट यू, तो नॉट लगाने से क्या सेंटेंस बन जाता है, नेगेटिव. वी वेर प्लेइंग फुटबॉल, ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है. तो वी वेर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस. द चिल्ड्रेन हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, यहाँ पे जो है ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें नॉट लगा के इसको मैंने नेगेटिव किया. द चिल्ड्रेन हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो ये नेगेटिव सेंटेंस नॉट लगाने से ये नेगेटिव हो जाता है. द रैबिट इज ईटिंग अ कैरट, तो ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस. द रैबिट इज नॉट eating a carrot. My uncle has purchased a car. My uncle has not purchased a car. तो समझ में आ गया. तो affirmative sentence के साथ not लगाने से वो negative sentence बन जाता है. और जब पीछे कोई question mark रहता है वो होता है interrogative sentence या question sentence. जब आप किसी को command देते हो या order देते हो या advice देते हो वो हो जाता है commanding sentence या imperative sentence. और जब आप normal sentence बोलते हो उसको हम बोलते हैं simple sentence. तो do all of this वर्क इन दिस बुक, ठीक है, इसी बुक के अंदर करोगे. नेक्स्ट क्या है, ये आपका होमवर्क है. क्या है, ना टॉक टू योर पार्टनर ऑन एनी टॉपिक, कुछ भी टॉपिक के ऊपर आप अपना पार्टनर के साथ बातें करो. जैसे बोल सकते हो टेल हिम हार अ सेंटेंस, उसको बोलो कुछ भी सेंटेंस बोलने के लिए. योर पार्टनर विल कन्वर्ट इनटू ये नेगेटिव सेंटेंस. जब वो सेंटेंस आपको कुछ सेंटेंस बोलेगा, एक वाक्य बोलेगा, आप उसको नेगेटिव करोगे, ठीक है, और या क्वेश्चंस बनाओगे या क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाओगे. देन योर पार्टनर विल टेल यू सेंटेंस, उसके बाद फिर आपका पार्टनर एक सेंटेंस बनाएगा. यू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस और आस्क अ क्वेश्चन. तो ये आपका एक ये होमवर्क रहेगा. आप दो फ्रेंड्स के साथ ये कॉन्वर्सेशन है, पहले आप एक सेंटेंस बनाओ, कुछ भी सेंटेंस बोलो, और आप अपने दोस्त को बोलो जो सेंटेंस आप बोलोगे वो उसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाए. फिर वो कुछ सेंटेंस वो बोलेगा, सिंपल सेंटेंस बोलेगा, आप उसी को इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में मेक करोगे. ओके, तो ये आपका ये इसी इसमें ये आपका होमवर्क है. ये अपना नोटबुक में करोगे. नोटबुक में और एक क्या होमवर्क है, देखो नोटबुक के अंदर आपको मैंने ये होमवर्क दो क्वेश्चन मैंने डाली हूँ, आप इसको लर्न करोगे. व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अपने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मेक सेंस को मेक करता है तभी वो सेंटेंस बनता है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, राइट देयर नेम्स, कितने तरह का सेंटेंस होता है. ना देयर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस सच एज सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कमांडिंग सेंटेंस भी कह सकते हैं. तो ये आप इसी नोटबुक के अंदर करोगे और लर्न भी करोगे. ओके, और आपकी नोटबुक के अंदर ये काम है और ये सारे के सारे इसी बुक के अंदर आप फिलअप करोगे. ओके, तो आई रिपीट अगेन, ऑल ऑफ दिस वर्क यू शुड हैव
question answer in your notebook, write, and also you have to write neat and clean, and also have learned it at your home, and also it you have to write in this book. ओके, ये जो फिलअप्स है सारी इसी बुक के अंदर करोगे. ओके, थैंक यू.